अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 35 है। तो व्यूअर्स, हम लोग सीख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें अब तक हम लोगों ने फोर्टन पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, कोबॉल पढ़ चुके हैं, लिस्प पढ़ चुके हैं, पास्कल पढ़ चुके हैं, C++ पढ़ चुके हैं और विजुअल बेसिक पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में व्यूअर्स, हम लोग लास्ट हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे, जो कि हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड लास्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जावा। ठीक है, तो आज जावा के बारे में पढ़ते हैं कि जावा क्या है। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वॉज डिजाइन बाय सन माइक्रोसिस्टम्स। सन माइक्रोसिस्टम्स ने इसे डिजाइन किया था, इजाद किया था। इट वॉज प्राइमरली डेवलप्ड टू कंट्रोल द माइक्रो प्रोसेसर। इट इज यूज इन VCR, टोस्टर एंड केबल रिसीवर एक्सेट्रा। जावा को बेसिकली बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर तो बना लिए गए थे, लेकिन उन्हें और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए जावा को बनाया गया था। और ख़ास करके वो माइक्रो प्रोसेसर जो VCR, टोस्टर, केबल रिसीवर जैसी छोटी छोटी चीज़ों में और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में लगाए जाते हैं, तो उनके लिए हम लोग जावा लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड्स पावरफुल कैपेबिलिटी ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एप्लीकेशन एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और इसने बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तकवीद दी नेटवर्क प्रोग्रामिंग को, इंटरनेट एप्लीकेशंस को और ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि GUI को। तो व्यूअर्स, जावा बेसिकली अगर मैं आम अल्फाजों में आपको बताने की कोशिश करूं तो आपने दो नाम सुने होंगे, एक जावा और एक जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों लैंग्वेजेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं व्यूअर्स। ठीक है, जावा बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा यानी कि फोकस करने वाली लैंग्वेज है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा आम इस्तेमाल यानी कि बहुत ही इस्तेमाल करना उसे बहुत ही ज़्यादा आम, बहुत ही ज़्यादा आसान और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जावा के अंदर आपकी एक लाइन, ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग करते हुए अगर आपकी एक लाइन में कुछ गलती हो जाती है तो आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में एक लाइन की गलती हो जाती है, ठीक है, तो उस एक लाइन को छोड़कर बकाया तमाम की तमाम जो लाइंस हैं उन्हें कॉल कर ली जाएगी, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये जो मेजर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो आपने इनको मिक्स नहीं करना। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है और आज हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस ख़त्म हो गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनको पढ़ने के साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग सेकंड चैप्टर 9th क्लास का स्टार्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के वाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया और वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.lastlookproductions.com। यहां पर आने के बाद अगर आप कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये PDF में दिया गया, PDF फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नोट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार पोस्ट के नीचे, आप वहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर। ठीक है, तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।